कवि के रूप में है पर वो प्रोफेसर भी है। उनके प्रकाशित कविता संग्रह हैं इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, सुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, और उन्होंने बहुत सारी आलोचना की पुस्तकें लिखी हैं, संपादित की हैं, उनमें मैं नहीं जाऊंगा। उन्हें भारत भूषण अग्रवाल सम्मान और देवी शंकर अवस्थी सम्मान, बहुत कम लोग होंगे जिनको ये दोनों सम्मान मिले हों। उनको दिल्ली अकादमी का कृति सम्मान, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, विजय देव नारायण शाही पुरस्कार इत्यादि इत्यादि मिल गया है। अब पढ़ें फारसी बेचे तेल वाले मुहावरे को चरितार्थ करते हुए, वो इग्नू के पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा प्रबंध विद्यापीठ के निदेशक, क्या होता होगा मैं नहीं जानता, नमस्कार। पहली कविता है घर का राग घर का मौसम। यह बालकनी थी कभी, लोग कुर्सियां डालकर धूप सेंकते थे यहां। मैंने इसे बना लिया है अपना अध्ययन कक्ष, अब यहां उष्मा है किताबों की, एकांत है उनका, उजास है इबारत की, खनक है हंसी की, उपस्थिति है बेटियों की। धूप अभी आती है खिड़कियों से छन कर, गौरैया भी चहचहाती है जंगले से लगी नीम की डाल पर। घर के आसपास जिधर देखिए हरियाली में धूप का नृत्य और धूप में हरियाली का संगीत है। घर के आसपास जिधर देखिए हरियाली में धूप का नृत्य और धूप में हरियाली का संगीत है। बहुत दिन हुए एक बार कहा था पिताजी ने किसी प्रसंग में समझाते हुए, बेटा सिर्फ मनुष्य नहीं घर भी गुनगुनाते हैं अपना राग, उनका भी होता है अपना संगीत। इधर एक दिन खूब तन्मय होकर पेंटिंग करते हुए मेरी बड़ी बेटी ने यूं ही मेरी ओर देखकर धीरे से कहा, जानते हैं पापा लोग बदलते हैं तो घर का मौसम भी बदल जाता है। एक बहुत पहले की कविता सुनाता हूं, लिखी हुई किसी संग्रह में नहीं है, प्रेम कविता है, रुकना। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। हम दोनों साथ होते तो जीवन का छोर नहीं सिर्फ ओर दिखता, लोग थक जाते ताकते ताकते, सिर्फ खुशियों का जलधि विशाल दिखता, हंसी का उजास दिखता। पर न समय रुका न तुम, बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर अंजुरी में जल समा। अलक्षित है बेगमपुरा। बेगमपुरा आप सब लोग जानते हैं, कवि रैदास का जो स्वप्न नगर है। नवंबर का महीना बीतने को है, शाम का धुंधलका गहराने लगा है, बिल्कुल खाली है 8:30 की बस, पर इसे जाना ही होगा साकेत। जरूरी नहीं इस छोर से खाली जा रही बस उस छोर से भी खाली ही लौटे, संभव है उस ओर खड़े हों कुछ लोग घर लौटने की प्रत्याशा में, संभव है उस ओर खड़े हों कुछ लोग घर लौटने की प्रत्याशा में। घर अब भी निरापद है, सबसे सुरक्षित इस दुनिया में कहीं से भी लौटने के लिए। स्वागत में उठी हुई घर की बाहें कभी नहीं थकती, लोग थक जाते हैं। इस समय बस की हेडलाइट से आंख मिचौली खेल रहा है चंद्रमा, श्रीस की सुगंध समा गई है चांदनी में। चांद बस के साथ चलता हुआ जाएगा साकेत, लौटते हुए लोगों को दिखेगा साथ लौटता हुआ, पर लौटेगा नहीं, आज उसे जाना है बेगमपुरा, आज रात वही है उसकी मंजिल। आज रात उसे जाना है बेगमपुरा, आज रात वही है उसकी मंजिल। वह देखना चाहता है संत रविदास के स्वप्न नगर की शब्दातीत गरिमा, महसूस करना चाहता है उसकी शीतलता, वह जानता है संत रविदास को गए बीत गई सदियां, वह जानता है संत रविदास को गए बीत गई सदियां। तरक्की की बढ़ती ही गई सीढ़ियां, न जाने क्या क्या खोज लिया आदमी ने, न जाने क्या क्या खोज लिया, क्या क्या बना लिया आदमी ने, पर अब भी अलक्षित है बेगमपुरा, वहां कोई बस नहीं जाती।
पर अभी अलक्षित है बेगमपुरा, वहां कोई बस नहीं जाती, दुनिया की सारी बसें लौट आती हैं किसी न किसी साकेत से। ये एक कविता है नेबसराय, दिल्ली का एक मोहल्ला है, हमारे विश्वविद्यालय के ठीक सटा हुआ इलाका है, वो गांव है। सरायों का शहर है दिल्ली, गांव का दर्जा पाए बेरसराय, शेख सराय और कुछ अन्य सरायों की तरह अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा है नेबसराय। मध्यकाल में सराय था यह, 21वीं सदी में भी सराय जैसा ही है, फर्क बस इतना है अब रात को आकर सुबह निकल नहीं जाते मुसाफिर, जिन्हें ठिकाना नहीं मिलता सपनीली दिल्ली में कहीं और, उन्हें अपनी गोद में बिठा लेता है पतली गलियों और खुले नाबदानों वाला नेबसराय, ठीक अपने पड़ोसी संगम बिहार की तरह। दिल्ली में अलग अलग है सबकी दिल्ली, किसी की दिल्ली जनपद पर है, किसी की राजपथ पर, किसी की जेएनयू में, किसी की इग्नू में, किसी की डीयू में, किसी की आईआईटी में, किसी की चाणक्यपुरी में, किसी की चांदनी चौक में, किसी की संसद के भीतर, किसी की शास्त्री भवन में, किसी की कृषि भवन में, जिन्हें सुविधा है उन्होंने चुन ली है अपने अपने अनुसार अपनी दिल्ली, जिन्हें सुविधा है उन्होंने चुन ली है अपने अपने अनुसार अपनी दिल्ली। पर हर सुविधा सबके लिए नहीं होती यह सभी जानते हैं, इसलिए बहुतों की दिल्ली है फुटपाथ पर, बहुतों की ठीक उनकी इच्छा के विपरीत, छत की तलाश ले गई किसी को संगम बिहार, किसी को ले आई नेबसराय, जो कमाने आए हैं दूर देश से उनकी दिल्ली है नेबसराय, और उनकी दिल्ली है नेबसराय और संगम बिहार जैसी जगहें, वे उम्मीद हैं उनकी, उन्होंने ही दिया है उन्हें आकाश के नीचे एक और छत। मैं अक्सर मिलता हूँ नेबसराय के रहवासियों से, वे याद रखते हैं बसों के कुछ नंबर, मेट्रो के कुछ स्टेशन, काम की जगहें, और कभी नहीं भूलते नेबसराय, वह मंत्र की तरह अंकित हो गया है उनकी आत्मा की स्लेट पर। और मेरे ख्याल से आज के लिए एक आखिरी कविता पढ़ता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, ये कविता है गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी, गांधी का पद है आप सब जानते हैं आखिरी आदमी, गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी। मौसम बदल रहा है गांव में, सुख बुगाहट है चुनाव की, अब प्रधानी में बहुत पैसा है, खड़ंजा हो, बांध हो, बिजली हो, बाढ़ हो, अकाल हो, प्रधान की पौ बारह रहती है, अभी दफ्तरों में टंगती हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें, पर कोई ताकना भी नहीं चाहता महात्मा गांधी के आखिरी आदमी की तरफ, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की तरफ, इन दिनों लोकतंत्र में गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी। पिछली बार 5 लोग मारे गए थे मेरे गांव में प्रधानी के चुनाव में, निकलने नहीं दिया था जबरों ने दलितों को उनकी बस्ती से, उनके वोट खा गए थे वे सरकारी योजनाओं की तरह, किसान बदहाल हैं, मर रहे हैं भरी जवानी में, जो बचे हैं उनकी जेबें इस कदर खाली हैं कि वे भर नहीं सकते बच्चों की फीस, उनके घर में नहीं हैं किसी के बदन पर साबुत कपड़े, लड़कियां भी महफूज नहीं हैं अब गांव में, लड़कियां भी महफूज नहीं हैं अब गांव में, अब फिर चुनाव सिर पर है, धीरे धीरे गर्म हो रही है हवा, लोग अकन रहे हैं एक दूसरे की कानाफूसी, मैदान में उम्मीदवार भी कई हैं पर आखिरी आदमी को, मिर्जा साहब की पंक्तियां हैं, पर आखिरी आदमी को कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और सर कितना समय होगा, एक थोड़ी सी लंबी कविता है इसलिए मैं सोच रहा पूछ रहा था। ये मेरा शहर जो गोरखपुर है, ये कविता कुछ कुछ उसके बारे में है। तमकुही कोठी का मैदान, तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की, तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता, यदि वह महज आकांक्षा होती या तृप्त दिनों में अघाए दिनों की, तो यकीनन मैं उसे याद नहीं करता। मैं उसे इसलिए भी याद नहीं करना चाहता कि उसके खुले मैदान में खोई थी प्राणों सी प्यारी मेरी साइकिल 1989 की एक हंगामेदार राजनीतिक सभा में, लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता, मैं उस जैसी तमाम सभाओं को नहीं भूलना चाहता जिनमें एक साथ खड़े हो सकते थे हजारों पैर, जुड़ सकते थे हजारों कंधे, एक साथ निकल सकती थीं हजारों आवाजें, बदल सकती थीं सरकारें,
कुछ हद तक ही सही पस्त हो सकते थे निजामों के मंसूबे। मैं जिस तरह नहीं भूल सकता अपना शहर, उसी तरह नहीं भूल सकता तमको ही कोठी का मैदान। वह सामंतवाद की कैद से निकलकर कब जनतंत्र का पहरुआ बन गया, शायद उसे भी पता न चला। ठीक ठीक कोई नहीं जानता किस दिन शहर की पहचान में बदल गया वह मैदान। न जाने कितनी सभाएं हुई वहां, न जाने किन किन लोगों ने वहां की रैलियां। वह जंतर मंतर था अपने शहर में। आपके शहर में भी होगा या रहा होगा कोई न कोई तमकुही कोठी का मैदान, एक जंतर मंतर। सायास हरा दिए गए लोगों का आक्रोश वहीं आकार लेता होगा, वहीं रंग पाता होगा अपनी पसंद का। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे इस मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। वह जमीन जो ऐशगाह थी कभी सामंतों की, धन्य धन्य होती थी किसानों मजूरों की चरण धूलि से। धूलि पाकर समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान। लेकिन समय फिर बदल गया, सामंतों ने फिर चोला बदल लिया। अब नामो निशान तक नहीं है मैदान का, वहां कोठियां हैं, फ्लैट्स हैं। अब आम आदमी वहीं बगल की सड़क से धीरे से निकल जाता है उस ओर जहां कचहरी है। और अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। और आज के लिए आखिरी कविता पढ़ूं सर, चुप्पी का समाज का। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में पर नहीं मिले, गोरखपुर में भी ढूंढा पर नहीं मिले, ढूंढा बनारस जौनपुर अयोध्या उज्जैन मथुरा वृंदावन हरिद्वार, तुम नहीं मिले। किसी ने कहा तुम मिल सकते हो ओरछा में, मैं वहां भी गया पर तुम कहीं नहीं दिखे। मैंने बेतवा के पारदर्शी जल में बार बार देखा, तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी, तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी। मैं भटकता रहा, बार बार लौटता रहा तुमको खोज कर अपने अंधेरे में। न जाने तुम किस चिड़िया के खाली खोते में, सब भूल भाल सब छोड़ छाड़ अलख जगाए बैठे हो। ताकता हूँ हर दिशा में बारी बारी चारों ओर, सब चमाचम है, कभी धूप कभी बदरी, कभी ठंडी हवा कभी लू, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। लोग भी खूब हैं धरती पर, एक नहीं दिख रहा, इस ओर कहाँ ध्यान है किसी का। पैसा पैसा पैसा, पद प्रभाव पैसा, यही आचरण दर्शन यही समय का। देखो ना बहक गया मैं भी, अभी तो खोजने निकलना है तुमको, और मैं हूं कि बताने लगा दुनिया का चाल चलन। पर किसे फुर्सत है जो सुने मेरा अगड़म बगड़म, किसी को क्या दिलचस्पी इस बात में कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर देवरिया जिले के एक गांव में सिर्फ एक कट्ठे जमीन के लिए हो रहा है खून खराबा पिछले कई वर्षों से। इन दिनों लोगों की समाचारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, वे चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, उन्हें चिंता है अपने जान माल की इज्जत आबरू की, पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के बारे में जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो, जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो। हमारे समय में निजता इतना बड़ा मूल्य है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसके दायरे से, वरना क्यों होता कि आजाद घूमते बलात्कारी, दलितों आदिवासियों के हत्यारे, शासन करते किसानों के अपराधी। सब चुप हैं अपनी चुप्पी में अपना भला ढूंढते, सबने आशय ढूंढ लिया है जनतंत्र का अपनी अपनी चुप्पी में। हमारे समय में जितना आसान है उतना ही कठिन, चुप्पी का भाष्य बहुत तेजी से बदल रहा है परिदृश्य, बहुत तेजी से बदल रहे हैं निहितार्थ। वह दिन दूर नहीं जब चुप्पी स्वीकृत हो जाएगी एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक आचरण में। पर तुम कहाँ हो, मथुरा में, अजमेर में, यरूशलम में, मक्का मदीना में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती किसी ट्रेन में, अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में, कहीं तो नहीं हो। तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता, तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता। तुम्हें बाहर खोजता हूँ, भीतर डूबता हूँ, सूज गई हैं आँखें आत्मा की, नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, शिथिल होता है तन मन नयन, पर जानता हूँ यदि सो गया तो फिर उठना नहीं होगा, और मुझे तो खोजना है तुम्हें, इसलिए हार कर बैठूंगा नहीं इस बार,
नहीं होने दूंगा तिरोहित अपनी उम्मीद को, मैं जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ, एक दिन मिलोगे तुम, जरूर मिलोगे, तुम्हारे बिना होना, बिन पुतलियों की आंख होना है।